वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नप्या निहाल आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर अपॉइंट की गई हूँ एज अ गेस्ट फैकल्टी इन आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर। आज ये वीडियो लेक्चर मैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए बना रही हूँ। कोर्स कोड है बायोकेम बीटी 311 और कोर्स टाइटल है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। इस कोर्स के यूनिट टू को जिसका टॉपिक है फूड कॉम्पोजिशन एंड केमिस्ट्री ऑफ मिनरल्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। ये सब आउटलाइंस है या फिर जिसे हम कहें कि इन सब चीज़ों के बारे में इस पीपीटी स्लाइड में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स को हिंदी में खनिज पदार्थ कहते हैं। मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ, जैसा कि आप लोगों ने प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा होगा कि उनको भी अपने ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए खनिज पदार्थ की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स को भी खनिज पदार्थ की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हमारा मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो। तो जो मिनरल्स होते हैं, सबसे जो कॉमन मिनरल्स होते हैं वो हैं हमारे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये चार ऐसे मिनरल्स हैं जो कि नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम अपने वातावरण से ले सकते हैं डायरेक्टली। जैसे कि हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है, उसी प्रकार से हम इन्हें डायरेक्टली ले सकते हैं। मिनरल्स का रोल क्या होता हमारे शरीर में, क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर को? हमारे शरीर में कोई भी फ्लूइड यानी कि कोई भी जो लिक्विड चीज़ होती है, जैसे कि हमारा खून है ये सब, और टिश्यूज़, जो हमारे सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, इन सब के लिए हमें मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं मिनरल्स के, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है मिनरल्स का, खनिज तत्व का, खनिज पदार्थ का, वो है नमक, सॉल्ट, जिसे हम हर रोज अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार हर चीज़ की एक कमिटी बनाई जाती है, जैसे कि WHO है जो हमारी स्वास्थ्य कमिटी है, जहाँ से एक एक ब्योरा पूरा जनरेट किया जाता है कि कहाँ पे किस प्रकार की बीमारी हो रही है या क्या हो रहा है, उसी प्रकार इन सारे न्यूट्रिएंट्स, इन सारे पोषक तत्व के लिए भी एक कमिटी बनाई गई है जिसका नाम है US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इस कमिटी के अंदर दो अलग अलग कमिटी बनाई गई है। एक कमिटी जो हमें बताती है कि हमें कितना खाना, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स खाने चाहिए, और एक कमिटी उस चीज़ को सर्वे करती है, उसका सर्वे करती है अलग अलग पॉपुलेशंस के लोगों के पे कि यहाँ के लोग कितने हेल्दी हैं, कितना अच्छा खाना खाते हैं और कितने हेल्दी हैं। जो मिनरल होता है ये आपका दो दो प्रकार में विभाजित किया गया है इसको, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, यानी कि थोड़ा। तो जो माइक्रो मिनरल्स होता है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये हमारे शरीर में बहुत ही थोड़े अमाउंट की, इसकी बहुत ही थोड़ी ज़रूरत होती है, कम ज़रूरत होती है। ज़्यादा इसको हम खाएंगे या इस गलती से इसका हमने ज़्यादा भोग कर लिया तो दिक्कत हो सकती है।
मैक्रो मिनरल्स, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, और इसे हमें हम ज़्यादा अमाउंट में खा सकते हैं। मैक्रो मिनरल्स को हम मेजर मिनरल्स कहते हैं और माइक्रो मिनरल्स को हम ट्रेस मिनरल्स या माइनर एलिमेंट्स कहते हैं। माइनर का मतलब भी स्मॉल या थोड़ा ही होता है। आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, आयोडीन, जिंक, ये सब माइक्रो मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। और इनका सोर्स क्या है? क्रैब, नट्स, मीट्स, जो भी चिकन होता है या फिर जो भी मांस होता है। नट्स का मतलब हो गया आपका जैसे कि मूंगफली, क्रैब यानी कि केकड़ा, ये सारे बीन्स यानी कि जो भी सोयाबीन जैसा आप लोग खाते होंगे, तो ये सब आपके माइक्रो मिनरल्स के सोर्स हैं। मैक्रो मिनरल्स क्या होता है? आलमंड यानी कि बादाम, दूध, नमक जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, शहद, और जो भी समुद्री फूड होते हैं। समुद्री फूड का मतलब हम झींगा मछली कह सकते हैं, या फिर केकड़ा कह सकते हैं, या फिर मछली कह सकते हैं। तो ये सब आपके मैक्रो मिनरल्स होते हैं, मैक्रो मिनरल्स के सोर्स होते हैं। इनके ये सब आपका स्रोत है जिसके थ्रू हम खनिज पदार्थ को अपने शरीर में लेते हैं। अब हम बात करते हैं मैक्रो मिनरल्स के स्रोत और उनका क्या रोल है हमारे शरीर में, यानी कि फंक्शन। तो कैल्शियम की बात करें, हम सबको पता है कि कैल्शियम का जो स्रोत है वो होता है दूध, मिल्क, काऊ या तो गाय, भैंस, बकरी, इन सब का दूध, या फिर मछली, जीरा का या धनिया। तो जीरा और धनिया ये तो हमारे गरम मसाला में आ गए, ठीक है। इनका उपयोग हम अपने हर रोज के खाने में करते हैं, तो इसलिए कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। अब कैल्शियम क्या काम करता हमारे शरीर में? सबसे पहले तो हमारे हमारी जो हड्डियां होती हैं उन्हें स्वस्थ और मजबूत बनाता है। दूसरा, जो हमारे हाथ पैर का मूवमेंट होता है या मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो लोग जिम जाते हैं तो उनके उनका जो मसल अपने जो दिखाते हैं कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कैसे रिलैक्स हो रहा है, तो उन सब के पीछे कैल्शियम का इम्पोर्टेंट रोल है। दूसरा एग्जाम्पल है मैक्रो मिनरल्स का फॉस्फोरस। दूध, अंडा, ग्राउंड नट्स यानी कि मूंगफली, ये सब इसके स्रोत हैं जिससे हम फॉस्फोरस को ले करके अपने ले ले सकते हैं। फॉस्फोरस का काम क्या होता है हमारे शरीर में, हम इसे क्यों लेते हैं? जो हमारे शरीर के जो बोन्स होते हैं, जो हड्डियां होती हैं, हर हड्डी का एक अलग शेप होता है, अलग स्ट्रक्चर होता है। तो उस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में, मतलब उस स्ट्रक्चर का डिज़ाइन कैसा होगा उस बोन का, ये हमारा फॉस्फोरस से होता है। फॉस्फोरस इस पे काम करता है। जो हमारी मजबूती होती है हड्डी में, ये कैल्शियम और फॉस्फोरस की वजह से ही होती है। एक स्वस्थ इंसान को लगभग 700 मिलीग्राम फॉस्फोरस हर रोज अपने डाइट में, अपने खाने में लेना चाहिए। मैग्नीशियम, जो मेन स्रोत है मैग्नीशियम का, वो है ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। मैग्नीशियम आपका बहुत तरीके से शरीर में काम करता है, जैसे कि ये भी मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम करता है। कोई भी इंजाइम होता है, जैसे कि हमारा जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल होता है, उसमें भी मैग्नीशियम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। वो आपके इंजाइम्स को एक्टिवेट करता है।
इसके अलावा ये क्रोमोसोम और सेल मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर में भी पाया जाता है। शरीर में जो आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है, जैसा कि हम बोलते हैं कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, इन सब का जो भी ट्रांसपोर्ट इधर से उधर होता है, वो सब मैग्नीशियम की मदद से होता है। एक हेल्दी मेन को, यानी कि मेल को, लगभग 400 से 420 मिलीग्राम मैग्नीशियम हर रोज खाना चाहिए अपने खाने के साथ, खाने में। और एक हेल्दी वोमेन को लगभग 310 से 320 मैग्नीशियम डेली लेना चाहिए। इस तीन मैक्रो मिनरल्स के अलावा चार और मैक्रो मिनरल्स हैं जिनका हम उपयोग करते हैं अपने हर रोज के खाने में। सबसे कॉमन और डेली यूज होने वाला है नमक। नमक मिलके किससे बनता है? हमें पता है कि नमक में सोडियम और क्लोराइड, ये दोनों आपस में मिलकर के नमक को बनाते हैं। जो नमक होता है, ये लगभग हमें 1.5 से 3.8 ग्राम हर रोज खाना चाहिए नमक, क्योंकि जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि ब्लड प्रेशर हाई है, तो जो नमक है ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, या फिर जो जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है, डॉक्टर उनको बोलते हैं नमक खाने को, और जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, डॉक्टर उन्हें बोलते हैं नमक कम खाने को, क्योंकि उनके शरीर में सोडियम का अमाउंट गड़बड़ हो गया है। हर चीज़ का अमाउंट एक लिमिट में होना चाहिए शरीर में। अब हम बात करते हैं पोटेशियम की। अगर हमारे शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम होती है, तो जो मसल्स में दर्द होता है, जैसे कई बार हमने काफ़ी भारी सामान उठा लिया तो हमारे मसल्स में दर्द होने लगता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पोटेशियम की कमी से होता है, या फिर एब्डोमिनल पेन, ये सब भी आपका पोटेशियम की कमी से होता है। तो हमें 4.7 यानी कि 4.7 ग्राम पोटेशियम का सेवन हर रोज करना चाहिए। अब लास्ट है सल्फर। सल्फर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो सल्फर होता है, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन है, प्रेजेंट है, तो दो ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके पास सल्फर होता है, एक है सिस्टीन और दूसरा है मेथियोनीन। तो इसलिए हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती सल्फर की कि हम उसको बाहर से अपने खाने के डाइट में उसको यूज़ करें। अब हम बात करते हैं माइक्रो मिनरल्स की। माइक्रो का मतलब होता है बेटा स्मॉल, स्मॉल का मतलब या फिर बहुत ही कम। तो हमें माइक्रो मिनरल्स को बहुत ही कम लेना होगा अपने अपने जीवन यापन के लिए। पहला हम बात करते हैं जिंक की। जो जिंक है, इसका जो सोर्स है वो है बादाम, काजू, मांस, चिकन का मतलब मुर्गी, मुर्गी का मांस, ये सब इसके स्रोत हैं। जिंक जो है वो हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है, जैसे कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें जिंक का रोल है। जो सेल डिवीजन होता है,
या फिर जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसमें जिंक काम करता है। वुंड हीलिंग सबसे इम्पोर्टेंट ये है। वुंड हीलिंग का मतलब जैसे हमें कोई भी घाव हो गया, कहीं भी कट गया, चोट लग गई, तो जो भी हम जैसे दवा लगाते हैं, अगर उस दवा के ट्यूब पे आप देखेंगे तो उसमें जिंक एडेड होता है, क्योंकि जिंक के पास सबसे अच्छी कैपेसिटी होती है किसी भी घाव को सुखाने में, उसे ठीक करने में। जो एक एडल्ट मेल है उसको लगभग 11 mg जिंक हर रोज अपने खाने में लेना चाहिए, और जो वुमेन होती हैं उन्हें अराउंड 8 mg लेना चाहिए। 8 का मतलब 8 mg। नेक्स्ट इज आयरन। आयरन किस किस चीज़ों में? पहले तो हमें पता है कि जो अनीमिया बीमारी होती है वो सिर्फ और सिर्फ आयरन की वजह से होती है। अनीमिया जनरली वुमेन्स में होती है, लड़कियों में होती है, औरतों में होती है। तो जो आयरन है इसका स्रोत क्या है? आयरन का स्रोत है ड्राइड फूड्स, यानी कि जो भी सूखा फल, इसे अगर हम ब्रेक करें तो हिंदी में बोल सकते हैं सूखा फल, लेकिन ड्राइड फूड्स में बेसिकली आपके आते हैं बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, ये सब, अंडा, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि जो भी हम हरी सब्जी लेते हैं, ये सब उसके स्रोत हैं। अब आयरन का काम क्या होता है? हमारे शरीर में जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जो भी ऑक्सीजन जाता है वो सिर्फ और सिर्फ आयरन की मदद से जाता है। आयरन की मदद से कैसे जाता है? जो हमारा शरीर का RBC यानी कि जो लाल रक्त है, लाल रक्त के जो भी सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को अपने साथ मिला करके यानी कि बाइंड करके ले जाते हैं और अलग अलग टिश्यूज में उसको सप्लाई करते हैं। आयरन जो है हमारे शरीर में दो तरीके का पाया जाता है। पहला होता है हीम आयरन और दूसरा है नॉन हीम आयरन। हीम आयरन से आपने हीमोग्लोबिन वर्ड सुना होगा, तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें हीम आयरन प्रेजेंट होता है, और हीम आयरन आपका RBC में प्रेजेंट होता है। जो नॉन हीम आयरन्स होते हैं वो एनर्जी यानी कि जो ताकत होती है उन्हें प्रोड्यूस कराने में मददगार होते हैं, या फिर और भी दूसरे फंक्शंस करते हैं, दूसरा और फंक्शन करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारा हीम आयरन। एक नॉर्मल मेन में जो आयरन पाया जाता है, मतलब जितना लेना चाहिए वो है 8 mg, और वुमेन को 18 mg लेना चाहिए, और प्रेग्नेंट वुमेन को 27 mg आयरन पर डे कंज्यूम लेना चाहिए। अगला है आपका आयोडीन। आयोडीन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जाना माना उदाहरण है आयोडाइज्ड सॉल्ट या फिर सी फूड। सी फूड क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सी फूड होता है झींगा मछली टाइप, जो समुद्री जीव होते हैं जिनको हम पकड़ के बना के खा जाते हैं, जैसे कि झींगा मछली हुआ, केकड़ा हुआ, मछलियाँ हुई, ये सब आपका सी फूड में आता है। आयोडीन का काम होता है पहले तो ये जो हमारा ब्रेन की डेवलपमेंट होती है और सेल्स की जो डेवलपमेंट होती है, यानी कि ब्रेन के विकास में और सेल्स के विकास में इसका महत्वपूर्ण काम है। और ये जो है थायराइड ग्लैंड, हमारे शरीर में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड,
उस थायराइड ग्लैंड के फंक्शन में, उस थायराइड ग्लैंड को कैसे काम करना है, उसके लिए आयोडीन की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हमारा थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करेगा तो उसकी वजह से एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसे हम कहते हैं गोइटर, घेंघा रोग, वो हो सकता है। अगर गलती से किसी भी इंसान में आयोडीन की कमी हो गई तो उसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है और उसके शरीर में भी काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो जो आयोडीन का हर रोज़ हमें उपयोग करना चाहिए वो है 150 माइक्रोग्राम। 150 माइक्रोग्राम हमें हर रोज़ आयोडीन खाना चाहिए। अगला है आपका कॉपर। कॉपर का भी जो सोर्स होता है वो होता है क्रैब, केकड़ा, नट्स यानी कि मूंगफली। मूंगफली भी हो सकता है और नट्स में आपका अखरोट भी आ सकता है। और या फिर होल ग्रेन्स, मतलब कि जो भी ग्रेन ग्रेन्स होते हैं वो सब हम इसको कॉपर, कॉपर हमारा उसमें प्रेजेंट होता है। कॉपर का क्या काम होता है? आरबीसी यानी कि लाल रक्त की उत्पाद को फॉर्मेशन करना, और जो हमारा नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन होता है उसको भी सही तरीके से काम करवाने में कॉपर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग को लगभग 800 माइक्रोग्राम कॉपर प्रतिदिन लेना चाहिए। अब इन चार एग्जाम्पल्स के अलावा और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिन्हें हमें हर रोज़ अपने डाइट में, अपने खाने में लेना चाहिए। एक है मैंगनीज। मैंगनीज क्या करता है? जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उसके डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग का मतलब यही है जो भी घाव वगैरह होते हैं उसको बहुत ही जल्दी ठीक करने में मददगार होता है मैंगनीज। हर रोज़ लगभग मेन को 2.3 mg मैंगनीज लेना चाहिए और जो वुमेन होती हैं उन्हें 1.8 mg मैंगनीज लेना चाहिए। अगर मैंगनीज की कमी होती है शरीर में तो उसकी वजह से इंसान को डायबिटीज़ हो सकता है। ठीक, इसलिए मैंगनीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है शरीर के लिए। अगला है फ्लोराइड। फ्लोराइड जो कि हम जनरली अपने खाने के साथ साथ लेते हैं, फ्लोराइड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका पानी। जो भी लोग फ्लोरिडेटेड ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं, जो आरओ वाटर होता है, जो लोग कहते हैं कि हम आरओ का पानी ले रहे हैं या फिर ये सब फ्लोरिडेटेड ड्रिंकिंग वाटर कहे जाते हैं। तो लगभग हर रोज फ्लोरिडेटेड ड्रिंकिंग वाटर के साथ इंसान को 1.4 और 3.4 mg फ्लोराइड लेना चाहिए। और अगर जो लोग फ्लोरिडेटेड वाटर नहीं ले रहे हैं उन्हें 0.3 to 1 mg पर डे फ्लोरीन लेना चाहिए। फ्लोरीन हम कैसे ले सकते हैं? टी यानी कि जो चाय पीते हैं या फिर जो भी फ्रूट जूसेस होते हैं, फल के जो भी जूस होते हैं, चाय होता है, और अगर कोई मछली खाना खाने वाला है, जैसे कि जो नॉन वेजिटेरियन बच्चे होते हैं या नॉन वेजिटेरियन जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, तो जो फिश लोग खाते हैं अगर वो फिश की हड्डी के साथ खाएं तो फिश की हड्डी में फ्लोराइड की बहुत ही ज़्यादा मात्रा होती है, तो उसको भी हम फ्लोराइड का स्रोत मान सकते हैं। फ्लोराइड का क्या रोल है हमारे शरीर में?
जो हमारे दांत के ऊपर की जो मसूड़े होते हैं, इसको कड़ा करने में फ्लोराइड बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ जो भी बोन्स हैं उनको भी मजबूत करता है। अगला है आपका सेलेनियम। सेलेनियम डायरेक्टली हम नहीं ले सकते हैं, सेलेनियम को हम सेलेनो प्रोटीन के फॉर्म में लेते हैं। सेलेनो प्रोटीन यानी कि सेलेनियम भी हमारा मेटाबॉलिक फंक्शन यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस की साइकिल चलती है या फिर कोई भी ऐसी साइकिल चलती है तो उसमें हमारा सेलेनियम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। सेलेनियम लगभग हमें 55 माइक्रोग्राम हर रोज लेना चाहिए। अब सेलेनियम का स्रोत क्या क्या है? तो सेलेनियम का स्रोत है दूध, जो ब्रेड होता है वाइट ब्रेड, वो ब्राउन ब्रेड नहीं वाइट ब्रेड, वीट का जो होता है, या फिर चिकन यानी कि मुर्गी, ये सब आपका सेलेनियम का स्रोत होता है। तो ये सारे अलग अलग तरह के आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब अगला है कि अगर हमने खनिज पदार्थ अब बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दिया कि भाई इसका बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट रोल है, इसको जितना मिले उतना हम खाते जाएं, तो वो भी हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है एक्सेस कंजम्पशन ऑफ मिनरल्स, मतलब कि किसी भी चीज़ को एक मात्रा से ज़्यादा लेने पर उसका बुरा प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ने लगता है। अगर कैल्शियम जैसे कि दूध है, अगर हमने दूध बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर दिया, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो जैसे दूध हमने ज़्यादा लिया तो उसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो सकती है या फिर जो किडनी की प्रॉब्लम होती है लोगों को, अगर कई बार यही होता है कि अगर लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम ले लिया है तो उन्हें किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। जिंक हमने बहुत ज़्यादा ले लिया तो भी हमारा किडनी काम करना बंद कर देगा, वॉमिटिंग आएगी, हृदय रोग हो सकता है या फिर डायरिया भी हो सकता है। आयरन से क्या दिक्कत होती है? बहुत लोगों को लीवर की प्रॉब्लम होती है कि कुछ भी खा रहे हैं नहीं पच पा रहा है। क्यों? क्योंकि आयरन की, या तो उन्होंने आयरन बहुत ज़्यादा ले लिया या तो कुछ लोगों को नेचुरली प्रॉब्लम होती है लीवर की, लेकिन कई बार अगर आपके शरीर में आयरन की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो भी आपको लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। सोडियम अगर ज़्यादा हुआ तो इनहांस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक, इसका मतलब है झटका आना, झटके भी ज़्यादा आ सकते हैं और या फिर आपके हृदय रोग से भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये सब टेस्ट हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, एक नॉर्मल हेल्दी मेल या फीमेल में किस चीज़ की कमी है और कौन सा चीज़ कितना है। जैसे कि कॉपर, जिंक, आयरन, आयोडीन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, सेलेनियम, ये सब हमारे मिनरल्स हैं। अब इसमें से अगर हमने आरबीसी खून ले लिया, किसी जिंक का पता करने के लिए अगर हमने खून लिया, आरबीसी लिया या फिर प्लाज्मा लिया, तो इससे हमें जिंक का एक्चुअल अमाउंट पता चल सकता है। एक्चुअल कितना नॉर्मल इंसान का अंदर नॉर्मल लेवल ऑफ जिंक है कि नहीं, इसका हमें पता चल सकता है यहाँ से। उसी प्रकार आयोडीन के लिए हमने सेरम ले लिया या फिर यूरिनरी मतलब यूरिन ले लिया, तो उससे हमें आयोडीन का पता लगा सकते हैं हम। मैंगनीज के लिए हमने ब्लड ले लिया, सेरम ले लिया, उसी उसी प्रकार हमने सेलेनियम के लिए भी सेरम ले लिया और यूरिनरी सैंपल लिया, तो इन सब चीज़ों से हमें पता चल सकता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के शरीर में किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा है और किस चीज़ की मात्रा कम है। ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है जो कि मैं आपको देना चाह रही हूँ,
इसमें सिर्फ आपको ये लिखना है कि जो भी मिनरल्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स, उन सब की कमी से कौन-कौन सी बीमारी हो सकती है। जैसे कि एक दो तो मैंने आपको बता दिया कि आयरन की कमी से अनीमिया रोग हो सकता है, खून की कमी हो सकती है शरीर में, और आयोडीन की कमी से गोइटर यानी कि घेंघा रोग होता है। उसी प्रकार हर एक मिनरल्स का शरीर में अगर कमी होती है तो इंसान को क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या दिक्कत हो सकती है। लर्निंग आउटकम्स, आई होप कि आपको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि खनिज पदार्थ और मिनरल्स का हमारे शरीर में क्या रोल है, हमारा डेवलपमेंट, हमारी शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है, आपको समझ में आया हो। ये रेफरेंस है जहाँ से मैंने ये सारा मैटर लिया है। आप अगर और भी डिटेल्स में पढ़ना चाहे तो इस बुक को पढ़ सकते हैं। थैंक यू।